सफर समंदर का मैं आपका स्वागत है। क्या आपने सोचा है जमीन से दूर समंदर में चलते शिप जिसे दूर दूर तक सिर्फ पानी ही पानी दिखाई देता है, वहाँ बिजली कहाँ से आती है और उसका बिल कितना और किसे देना पड़ता है? तो मैं हूँ फोर्थ इंजीनियर काशिप जो शिप चलाता है। रोजा चल रहा था तो सैरी करा, फिर कुछ देर रेस्ट करने के बाद इंजन रूम गया। फर्स्ट इंजीनियर से वॉच हैंड ओवर लिया, इंजन रूम के राउंड्स लिए, सारे मशीनरी के पैरामीटर्स को मॉनिटर करा। हाँ, अब आते हैं आपके सवाल पर। तो ये है 440 वोल्ट का जनरेटर जो 420 किलोवाट पावर प्रोड्यूस करता है। टोटल इस शिप पर 3 जनरेटर है। अगर पावर की रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो तो ही बाकी को चलाते हैं, वरना एक जनरेटर ही पूरे शिप को रोशन रखने की काबिलियत रखता है। यह इतना प्यासा है कि हर दिन लगभग 1400 से 1500 लीटर का तेल घटक जाता है, इन केस अगर शिप पर बिजली चली जाए और अंधेरा ही अंधेरा हो। उसके लिए होता है ये इमरजेंसी जनरेटर। हाल ही में ब्लैकआउट की वजह से एक ऐसा दर्दनाक हादसा हुआ जिसने पूरे शिपिंग इंडस्ट्री पर तहलका मचा दिया। इस बारे में अगले वीडियो पर बात करते हैं।